हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी के मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो में। तो हम कवर कर रहे हैं अक्टूबर के मंथ्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स आपके रिवीजन के लिए, और उस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। और यहाँ पे हम कवर करेंगे 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनके वन लाइनर्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 6th सेशन ऑफ इंडिया नॉर्वे ज्वाइंट कमीशन मीट। हाल ही में एस जयशंकर जी ने भारत नॉर्वे संयुक्त आयोग की 6वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। इंडिया रैंक्ड 58th इन द आर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स टॉप्ड बाई न्यूजीलैंड। तो हाल ही में आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स जारी की गई है और भारत इसमें 58वें स्थान पर रहा है और इस इंडेक्स में टॉप किया है न्यूजीलैंड ने। ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सुजल ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप मिशन टू इंश्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर। ओडिशा सरकार ने पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सुजल ड्रिंकिंग फ्रॉम टैप मिशन शुरू किया। नासा हैज़ चूजन इंडियन नैनो सैटेलाइट इंडिया सैट टू लॉन्च इनटू सब ऑर्बिट। नासा ने भारतीय नैनो उपग्रह इंडिया सैट को उपकक्षा में लॉन्च करने के लिए चुना। अर्ली सैलरी इन कोलैबोरेशन विथ NPCI हैज़ लॉन्च्ड सैलरी कार्ड पावर्ड बाई रूपे। अर्ली सैलरी ने NPCI के सहयोग से रुपए द्वारा संचालित सैलरी कार्ड लॉन्च किया। इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रेसिडेंट के रूप में फिर से चुना गया। 11 इंडियन क्रिकेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर्स बाई भारत पे। भारत पे द्वारा 11 भारतीय क्रिकेटरों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन एंड वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे वर ऑब्जर्व्ड ऑन 15th अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और उसके साथ ही विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया गया है। रसिया हैज़ चेयर द 5th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स। तो हाल ही में रूस ने ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की है। राहुल श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू अल्बानिया। राहुल श्रीवास्तव जी को अल्बानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेंटिना दीता हैव बीन नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडिनिया 2020। ओलंपिक चैंपियन कॉन्स्टेंटिना दीता को 2020 के गिडिनिया विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। AICTE कंस्टिट्यूटेड अ कमिटी हेडेड बाई MS अनंत टू प्रिपेयर द प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल। AICTE ने प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल तैयार करने के लिए MS अनंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। गवर्नमेंट सेट्स अप पैनल ऑफ सेक्रेटरीज अंडर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा टू स्ट्रीमलाइन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन। दूरसंचार स्पेक्ट्रम आवंटन को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के अधीन सचिवों का पैनल गठित किया। रशिया अप्रूव सेकेंड वैक्सीन फॉर कोरोना वायरस नेम्ड एपीवैक कोरोना। रूस ने एपीवैक कोरोना नामक कोरोना वायरस की दूसरी दवाई को मंजूरी दी है। एंड द लास्ट इज साई एवरा हैज़ बीन अवार्डेड द 2020 शास्त्रा रामानुजन प्राइज। साई एवरा को 2020 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ रिलीज्ड ₹75 कोमेमोरेटिव कॉइन टू मार्क FAO's दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 75th एनिवर्सरी। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर ₹75 का स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट है बैंक ऑफ घाना हैज़ वॉन द सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। बैंक ऑफ घाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2020 जीता। वर्ल्ड फूड डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 16th अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस 2020 मनाया गया। वर्ल्ड्स बिगेस्ट जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट विल बी सेटअप इन गुजरात। गुजरात में दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित की जाएगी। कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 5,718 करोड़ रुपीज़ फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोजेक्ट। तो हाल ही में स्टार्स यानी कि स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट ने 5,718 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च सेकेंड फेज ऑफ थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। हाल ही में हर्षवर्धन जी ने थैलेसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण शुरू किया है। विशालवी शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेस्को।
विशाल वी शर्मा जी को यूनेस्को में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। किरण रिजेजू अटेंडेड यूथ 20 समिट रिसेंटली हेल्ड इन रियाद सऊदी अरेबिया। हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में आयोजित यूथ 20 समिट में किरण रिजेजू जी ने भाग लिया। नेक्स्ट है रविशंकर प्रसाद होस्टेड 7th जस्टिस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ SCO स्टेट मेंबर्स। रविशंकर प्रसाद जी ने संघही सहयोग संगठन के राज्य सदस्यों की 7वीं न्याय मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैज़ बैग्ड फर्स्ट रैंक फॉर फिलिंग 336 पेटेंट्स इन द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया रिपोर्ट। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को 336 पेटेंट दाखिल करने के लिए बौद्धिक संपदा भारत रिपोर्ट में प्रथम स्थान मिला। फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर अवार्ड भानु अथैया पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया। किर्गिस्तान प्रेसिडेंट सोरोनबाई जीनबेकोव रिजाइन्स। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जीनबेकोव ने इस्तीफा दिया। इंडिया प्रोवाइड्स $1 million टू यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर फलस्तीन रिफ्यूजीज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए $1 million दिया है। फोनपे इन एसोसिएशन विथ बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस लॉन्च्ड कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। फोनपे ने बजाज अलियंस जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर अपने प्लेटफॉर्म पर कार और बाइक बीमा उत्पादों को लॉन्च किया है। प्रदीप गुरहा ऑथर्ड द बुक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। प्रदीप गुरहा ने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन पुस्तक लिखी। अरविंद केजरीवाल लॉन्च्ड रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अरविंद केजरीवाल जी ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक टीवी रिपोर्ट 2020 जारी की। नरेंद्र सिंह तोमर हैज़ इनॉग्रेटेड 14th सेशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह के 14वें सत्र का उद्घाटन किया है। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 17th अक्टूबर। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाया गया। कल्चर मिनिस्ट्री हैज़ इशूड गाइडलाइंस फॉर होल्डिंग कल्चरल इवेंट्स अंडर कला संस्कृति विकास योजना। संस्कृति मंत्रालय ने कला संस्कृति विकास योजना के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इंडिया विल ट्रांसफर इट्स किलो क्लास सबमरीन नेम्ड INS सुंधवीर। इंडिया विल ट्रांसफर इट्स किलो क्लास सबमरीन नेम्ड INS सिंधुवीर टू म्यांमार नेवी। भारत म्यांमार नौसेना को अपनी किलो वर्ग की पनडुब्बी INS सिंधुवीर हस्तांतरित करेगा। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल लॉन्च्ड स्केल ऐप फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद ने गुणवत्ता आश्वासन के लिए स्केल ऐप लॉन्च किया है। रमेश पोखरियाल निशांक हैज लॉन्च्ड कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस दैट इज कपिला कैंपेन। हाल ही में रमेश पोखरियाल निशांक जी ने कपिला अभियान शुरू किया। पंजाब कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डॉक्टर BR अंबेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। पंजाब कैबिनेट ने डॉक्टर BR अंबेडकर SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जारी की। इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयर ऑफ OECD वर्किंग ग्रुप ऑन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। भारत को गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस पर काम करने वाले OECD समूह के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इंडिया एम्स टू अचीव ट्रांस फैट फ्री स्टेटस बाई 2022। भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री स्टेटस हासिल करेगा। जापान कोस्ट गार्ड हैज़ टेस्टेड सी गार्डियन मैरीटाइम सर्विलेंस ड्रोन। जापान कोस्ट गार्ड ने सी गार्डियन नामक समुद्री निगरानी ड्रोन का परीक्षण किया। शशि थरूर बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग विल बी रिलीज्ड इन November 2020। शशि थरूर की पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग November 2020 में जारी होगी। वेगा रोप्स इन रोहित शर्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर अंडर वेगामैन ब्रांड। वेगा ने अपने वेगामैन ब्रांड के तहत रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया। नाइट एंगल ऑफ गुजरात कौमुदी मुंशी पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में गुजरात की कोकिला कौमुदी मुंशी का निधन हो गया। NTPC CMD गुरदीप सिंह स्टर्म एक्सटेंडेड टिल 2025। NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह जी का कार्यकाल 2025 तक बढ़ा दिया गया। इंडिया रैंक 94th इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत 94वें स्थान पर रहा। इंडिया एंड चिली हैव हेल्ड देयर ज्वाइंट कमीशन मीटिंग रिसेंटली। हाल ही में भारत और चिली ने अपनी पहली संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिशन शक्ति फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की है। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडिया कजाकिस्तान डिफेंस कोऑपरेशन एक्सपो। रक्षा मंत्रालय ने भारत कजाकिस्तान रक्षा सहयोग एक्सपो का आयोजन किया है। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ अनाउंस्ड माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम की घोषणा की। राजकिरण रायजी हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। राजकिरण राय जी को भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ऐश्वर्या श्रीधर बिकम्स फर्स्ट इंडियन फीमेल टू विन द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द एडल्ट कैटेगरी। ऐश्वर्या श्रीधर वयस्क श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ अटेंडेड द डेवलपमेंट कमिटी मीटिंग विद वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। निर्मला सीतारमन जी ने विश्व बैंक और IMF के साथ विकास समिति की बैठक में भाग लिया है। ओडिशा विल स्पॉन्सर द नेशनल रग्बी टीम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। ओडिशा सरकार अगले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय रग्बी टीम को प्रायोजित करेगी। नितिन गडकरी हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन आंध्र प्रदेश। नितिन गडकरी जी ने आंध्र प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पाकिस्तान क्रिकेटर उमर गुल हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट। पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर गुल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। जैसिंद्रा आर्डर्न बिकम्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड फॉर द सेकेंड टर्म। जैसिंद्रा आर्डर्न दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी। कार्टी बिहू फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन बोंगाईगांव असम। असम के बोंगाईगांव में कार्टी बिहू त्यौहार मनाया गया। माइकल ईरानी बिकम्स इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। माइकल ईरानी अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष बने। एंड द लास्ट इज 36th रेजिंग डे ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वॉज ऑब्जर्व ऑन 16th अक्टूबर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 36वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड नाइट ट्रायल ऑफ पृथ्वी 2 एंड टेस्टिंग ऑफ नेवल वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। DRDO ने सफलतापूर्वक पृथ्वी 2 का रात्रि परीक्षण और ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण का परीक्षण किया। रोहन जेटली बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। रोहन जेटली दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बने। इंडियन नेवी एंड श्रीलंकन नेवी हैव स्टार्टेड 8th एडिशन ऑफ स्लेनेक्स एक्सरसाइज एट त्रिंकोमाली कोस्ट। भारतीय नौसेना ने श्रीलंका की नौसेना के साथ त्रिंकोमाली तट पर स्लेनेक्स अभ्यास का 8वां संस्करण शुरू किया है। IDBI बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स बैंकिंग सर्विसेज ऑन व्हाट्सएप। हाल ही में IDBI बैंक ने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाएँ शुरू की हैं। झारखंड गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव सारीज एंड लुंगीज एट ₹10 टू द अंडर प्रिविलेज्ड। झारखंड सरकार ने गरीबों को ₹10 में साड़ी और लुंगी देने की घोषणा की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेटेड इन द 4th G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट। निर्मला सीतारमन जी ने 4th G20 वित्तीय मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग में भाग लिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड कीनोट एड्रेस एट इनॉग्रल फंक्शन ऑफ ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने ग्रैंड चैलेंज एनुअल मीटिंग 2020 के उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण दिया। बांग्लादेश इनवाइट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू ज्वाइन द सेलिब्रेशंस ऑफ 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन 26th मार्च 2021। बांग्लादेश ने 26 मार्च 2021 को आज़ादी के 50 साल पूरे होने के जश्न में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया। इसराइल एंड बहरीन साइंड एग्रीमेंट एट मनामा टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज। इसराइल और बहरीन ने राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए मनामा में समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान एंड वियतनाम हैव एग्रीड टू स्टेप अप डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। जापान और वियतनाम रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। फिलीपींस टू रीस्टार्ट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन साउथ चाइना सी। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर में तेल और गैस की खोज फिर से शुरू करेगा। कैरावी भरत राम ऑथर द बुक सी इज फॉर कैट डी इज़ फॉर डिप्रेशन। कैरावी भरत राम ने सी इज़ फॉर कैट डी इज़ फॉर डिप्रेशन पुस्तक लिखी। मिसेस सीमा गुप्ता डायरेक्टर ऑपरेशंस PGCI लिमिटेड विंस द गोल्ड स्टीवे अवार्ड।
PGCI लिमिटेड की परिचालन निदेशक श्रीमती सीमा गुप्ता जी ने गोल्ड स्टीवी अवार्ड जीता। मोहन बगान विंस द आई लीग चैंपियनशिप 2019-20। मोहन बगान ने आई लीग चैंपियनशिप 2019-20 जीता। एंड द लास्ट इज एडो स्किल्स पार्टनर्स विथ गो डैडी टू हेल्प बूस्ट डिजिटल स्किल्स इन इंडिया। एडो स्किल्स ने भारत में डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए गो डैडी के साथ साझेदारी की। इंडिया रैंक्ड फोर्थ इन द एशिया पावर इंडेक्स 2020। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत चौथे स्थान पर है, और वहीं बात करें तो फर्स्ट नंबर पर रहा अमेरिका। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2020 एंड वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 तथा विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड 177 मिलियन $ लोन फॉर महाराष्ट्र रोड इम्प्रूवमेंट्स। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र सड़क सुधार के लिए 177 मिलियन $ के ऋण को स्वीकृति दी है। नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड आयुष्मान सहकार स्कीम फॉर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू की है। नोजोमी ओकुहारा इन वेमेन सिंगल एंड अंदर्स एंटोनसन इन मेन सिंगल हैव वॉन द डेनिशा डेनमार्क ओपन 2020। महिला एकल में नोजोमी ओकुहारा तथा पुरुष एकल में आंदेर्स एंटोनसन ने डेनिशा डेनमार्क ओपन 2020 जीता। इंडियाज फर्स्ट लॉजिस्टिक पार्क विल बी सेटअप इन असम। भारत का पहला लॉजिस्टिक पार्क असम में स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग विल एस्टैब्लिश द इंडियाज फर्स्ट फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर। नीति आयोग भारत का पहला फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर स्थापित करेगा। हिंग कल्टीवेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली इन हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हिंग की खेती शुरू की गई है। IIT मद्रास स्टार्टअप स्टेल एप्स हैव लॉन्च्ड मूपे फॉर डेयरी फार्मर्स इन राजस्थान। IIT मद्रास स्टार्टअप स्टेल एप्स ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मूपे लॉन्च किया है। जापान एंड नेदरलैंड्स हैव वॉन द विश्वेश्वरैया अवार्ड ड्यूरिंग द थर्ड असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। जापान और नेदरलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी सभा के दौरान विश्वेश्वरैया पुरस्कार दिया गया। DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल नेम्ड एज सेंट फ्रॉम चांदीपुर ओडिशा। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में सेंट नामक स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्लास टेन्योर टिल अगस्त 2021। भारत सरकार ने गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल अगस्त 2021 तक बढ़ाया। बैंक ऑफ बड़ौदा साइंड MOU विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेसेस। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्रैक्टर फाइनेंस बिजनेस के लिए महिंद्रा और महिंद्रा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अल्बानिया सेलिब्रेटेड मदर टेरेसा डे ऑन 19 अक्टूबर। अल्बानिया ने 19 अक्टूबर को मदर टेरेसा दिवस मनाया। MS धोनी बिकम्स फर्स्ट प्लेयर टू प्ले 200 गेम्स इन IPL। MS धोनी IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने। अकॉर्डिंग टू इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स उत्तर प्रदेश हैज़ अट्रैक्टेड हाइजेस्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट इन 2019। भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश ने 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है। इंटरनेशनल शेफ्स डे 2020 वॉज ऑब्जर्व ऑन 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शेफ दिवस 2020 मनाया गया। इंडिया रैंक्ड सेकेंड इन द 44th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2020। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2020 के 44वें संस्करण में भारत दूसरे स्थान पर रहा। ऑस्ट्रेलिया विल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इंडिया US जापान मालाबार एक्सरसाइज। भारत अमेरिका जापान मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेगा। गवर्नमेंट हैव इंक्रीज द इलेक्शन कैंपेन एक्सपेंडिचर लिमिट बाई 10%। हाल ही में सरकार ने चुनाव प्रचार खर्च की सीमा को 10% बढ़ाया है। तुषार मेहता रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 18th मीटिंग ऑफ SCO प्रोसिक्यूटर्स जनरल। तुषार मेहता जी ने SCO अभियोजकों की 18वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इलावेनिल वलारिवन बैग्ड गोल्ड मेडल इन शेख रसल इंटरनेशनल एयर चैंपियनशिप 2020। इलावेनिल वलारिवन ने शेख रसल इंटरनेशनल एयर चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीता। हरदीप सिंह पुरी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द 9th सेशन ऑफ इंडिया ओमान ज्वाइंट कमीशन। हरदीप सिंह पुरी जी ने भारत ओमान संयुक्त आयोग के 9वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इंडिया हैज़ इनवाइटेड यूनाइटेड किंगडम टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए भारत ने यूनाइटेड किंगडम को आमंत्रित किया है।
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज़ रिलीज द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड 2020 रिपोर्ट। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड 2020 रिपोर्ट जारी की। BSE साइंड MOU विद तेलंगाना गवर्नमेंट टू सपोर्ट MSMEs। BSE ने MSME के समर्थन के लिए तेलंगाना सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सेबी कंस्टिट्यूट अ मार्केट डेटा एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाय माधवीपुरी बुच। सेधवी ने माधवीपुरी बुच की अध्यक्षता में एक बाजार डेटा सलाहकार समिति का गठन किया है। नवीन पटनायक लॉन्चेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर सर्विस पोर्टल मो विद्युत एंड मोबाइल ऐप। नवीन पटनायक जी ने बिजली उपभोक्ता सेवा पोर्टल मो विद्युत और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हर्षवर्धन लॉन्चेस क्योर्ड दैट इज CSIR यूशर्ड रिपू पोज ड्रग्स पोर्टल। हर्षवर्धन जी ने क्योर्ड दैट जिसे CSIR रिपू पोज ड्रग्स पोर्टल लॉन्च किया। एंड द लास्ट इज नासास ओसीरिस रेक्स स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली टचेज द बेन्नू एस्टेरॉयड। नासा के ओसीरिस रेक्स अंतरिक्ष यान ने बेन्नू क्षुद्र ग्रह को सफलतापूर्वक छुआ। हरियाणा टॉप्ड इन द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा शीर्ष स्थान पर है। इंडिया एंड वियतनाम हैव ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस फोरम रिसेंटली। हाल ही में भारत और वियतनाम ने बिजनेस फोरम का आयोजन किया। नितिन गडकरी हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट एवर खादी फैब्रिक फुटवेयर ऑफ इंडिया। नितिन गडकरी जी ने भारत के पहले खादी फैब्रिक जूते लॉन्च किए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ नाटो विल सेटअप अ न्यू स्पेस सेंटर इन रैमस्टेन जर्मनी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो का एक नया अंतरिक्ष केंद्र जर्मनी के रैमस्टेन में स्थापित किया जाएगा। नीना मल्होत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो। नीना मल्होत्रा सैन मरीनो गणराज्य में भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त हुई। INS कवरत्ती हैज़ बीन कमीशन इन टू इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम रिसेंटली। INS कवरत्ती को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की सेवा में लाया गया। नोकिया हैज़ बीन सेलेक्टेड बाई नासा टू बिल्ड 4G LTE नेटवर्क ऑन द मून। चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क बनाने के लिए नासा ने नोकिया को चुना। इंटरनेशनल स्टटरिंग डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 22 अक्टूबर। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्टटरिंग दिवस मनाया गया। पेरिस जेपचिरचिर मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 1 hour 5 minutes 16 seconds एट वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020। पेरिस जेपचिरचिर ने वर्ल्ड एथलेटिक हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 में 1 hour 5 minutes 16 seconds का विश्व रिकॉर्ड बनाया। अकॉर्डिंग टू थर्ड सोगा 2020 रिपोर्ट इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड हाइजेस्ट एयर पोल्यूशन एक्सपोजर ग्लोबली इन 2019। तीसरी सोगा 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2019 में विश्व स्तर पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण जोखिम दर्ज किया है। IIT खड़गपुर डेवलप्स कोविरैप टेक्नोलॉजी फॉर COVID-19। IIT खड़गपुर ने COVID-19 के लिए कोविरैप तकनीक विकसित किया है। नेशनल पुलिस कोमेमोरेशन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक दिवस मनाया गया। NK सिंह लॉन्चेस हिज ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। NK सिंह जी ने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर लॉन्च की। फिक्की सेलेक्टेड एज द नेशनल इंडस्ट्री पार्टनर फॉर द थर्ड मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव। फिक्की को तीसरे मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव के लिए राष्ट्रीय उद्योग भागीदार के रूप में चुना गया है। ट्राइफेड MD प्रवीर कृष्णा वॉन द CEO ऑफ द ईयर एंड विजनरी लीडरशिप अवार्ड। ट्राइफेड के प्रबंध संचालक प्रवीर कृष्ण ने CEO ऑफ द ईयर और दूरदर्शी नेतृत्व पुरस्कार जीता। सूरत BRTS हैज़ बिकम इंडियाज लार्जेस्ट BRTS नेटवर्क विथ कवरेज ऑफ 108 किलोमीटर। सूरत का BRTS 108 किलोमीटर की कवरेज के साथ भारत का सबसे बड़ा BRTS नेटवर्क बना। आसन कंजर्वेशन रिजर्व हैज़ बिकम फर्स्ट रामसर साइट ऑफ उत्तराखंड। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बना। साड हरीरी हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। साड हरीरी को लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अंडोरा हैज़ ज्वाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज 190th मेंबर। हाल ही में अंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 190 नंबर का देश बना है। सुशील कुमार सिंघल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू सोलोमन आइलैंड्स। सुशील कुमार सिंघल जी सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए। डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ एड्रेस द वर्ल्ड बैंक IMF एनुअल मीटिंग 2020 रिसेंटली। हर्षवर्धन जी ने विश्व बैंक IMF की वार्षिक बैठक 2020 को संबोधित किया। सर्वानंद सोनोवाल लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर एट दबी दुबी। सर्वानंद सोनोवाल जी ने दबी दुबी में भारत के पहले असम आगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की आधारशिला रखी है। कोनराड संगमा हैज़ लॉन्च्ड माइक्रो ATM इन शिलोंग फॉर बैंकिंग सर्विसेज इन रूरल एरियाज़।
कोनराड संगमा जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के लिए शिलोंग में माइक्रो एटीएम का शुभारंभ किया। लुईस हैमिल्टन हैज़ बीन नेम्ड एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एलजी सिग्नेचर ब्रांड। लुईस हैमिल्टन को एलजी सिग्नेचर ब्रांड के वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। प्रियंका चोपड़ा जोनस अपॉइंटेड एज नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पार्ले एग्रो। प्रियंका चोपड़ा जोनस को पार्ले एग्रो के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। हरदीप सिंह पुरी हैज़ लॉन्च ई धरती जियो पोर्टल टू इंटीग्रेट मैप्स एंड लीज प्लान्स। हरदीप सिंह पुरी जी ने नक्शे और पट्टे योजनाओं को एकीकृत करने के लिए ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया। तमिलनाडु हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्मार्ट ब्लैकबोर्ड स्कीम। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट ब्लैकबोर्ड योजना लागू की है। इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट वुमेन ऑफिसर विजय लक्ष्मी रामानंद पास्ड अवे रिसेंटली। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विजय लक्ष्मी रामानंद का हाल ही में निधन हो गया। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ दिनकर योजना टू किसान सर्वोदय योजना। गुजरात सरकार ने दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना कर दिया है। वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया। CBSE इंट्रोड्यूसेस फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम फॉर क्लास 10th and 12th स्टूडेंट्स टू एक्सेस डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंचने के लिए फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम शुरू किया है। और लास्ट है 2000 ईयर ओल्ड 37 मीटर लॉन्ग कैट ड्राइंग डिस्कवर्ड ऑन नजाका लाइंस ऑफ पेरू। पेरू के नजाका लाइंस पर 2000 साल पुरानी 37 मीटर लंबी बिल्ली की ड्राइंग खोजी गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड किसान सूर्योदय योजना फॉर द फार्मर्स इन गुजरात। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। यूनाइटेड नेशंस डे एंड वर्ल्ड पोलियो डे वर ऑब्जर्व्ड ऑन 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और उसके साथ ही विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है प्रहलाद सिंह पटेल लॉन्च लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट टू शोकेस मिनिएचर पेंटिंग्स। प्रहलाद सिंह पटेल जी ने लघु चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बैक्स टॉप पोजीशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त किया। जितेंद्र सिंह हैज़ एड्रेस्ड फर्स्ट एवर मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप। जितेंद्र सिंह जी ने G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। अपूर्व चंद्र विकम्स चेयरपर्सन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अपूर्व चंद्रा जी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत लॉन्चेस इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए एकीकृत मॉडल कृषि ग्राम योजना शुरू की है। कबीर अहमद शाकिर बिकम्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एट टाटा कम्युनिकेशंस। कबीर अहमद शाकिर जी को टाटा कम्युनिकेशंस के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कर्नाटका गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-25। कर्नाटक सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की। सदर्न नेवल कमांड हैज़ डिप्लॉयड फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट्स ऑफ इंडियन नेवी ऑन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। दक्षिणी नौसेना कमान ने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर भारतीय नौसेना के पहले महिला पायलटों के बैच को तैनात किया। अकॉर्डिंग टू फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट रिलीज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम COVID-19 विल डिसरप्ट मोर देन 85 मिलियन जॉब्स बाई 2025। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट के अनुसार COVID-19 के कारण 2025 तक 85 मिलियन से अधिक नौकरियां जाएंगी। डॉक्टर जनिनी वर्गीस हैज़ बीन नेम्ड एज आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020। डॉक्टर जनिनी वर्गीस विश्व की उत्कृष्ट युवा व्यक्ति 2020 के रूप में नामित हुई हैं। यूनाइटेड नेशंस हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड्स वुमेन 2020 ट्रेंड्स एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व महिला 2020 रुझान और सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। इंडियन नेवी मिसाइल कॉर्बेट INS प्रबल लॉन्चेस एंटी शिप मिसाइल फ्रॉम अरेबियन सी। भारतीय नौसेना की मिसाइल कॉर्बेट INS प्रबल ने अरब सागर से एंटी शिप मिसाइल लॉन्च की है। नीति आयोग कंस्टिट्यूट 14 मेंबर एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाई राजीव कुमार टू रिफॉर्म अर्बन प्लानिंग एजुकेशन सिस्टम। नीति आयोग ने शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए राजीव कुमार जी की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। इंडियाज़ फर्स्ट सैंड ड्यून पार्क विल बी एस्टैब्लिश्ड इन गोवा। गोवा में भारत का पहला रेत टिब्बा पार्क स्थापित किया जाएगा। इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ डेडिकेटेड फर्स्ट फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज टू साउथ एशियन कंट्रीज। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण एशियाई देशों के लिए पहली फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा समर्पित की है।
यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक हैव पब्लिश्ड ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ चिल्ड्रेन इन मॉनेटरी पॉवर्टी एंड अपडेट एनालिसिस। यूनिसेफ और विश्व बैंक ने मौद्रिक गरीबी में बच्चों का वैश्विक अनुमान एक अद्यतन विश्लेषण प्रकाशित किया। श्रीलंका गवर्नमेंट पास्ड 20th अमेंडमेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन रिसेंटली। हाल ही में श्रीलंका ने अपने संविधान में 20वां संशोधन पारित किया है। सूडान बिकम्स थर्ड अरब कंट्री टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विथ इसराइल। इसराइल के साथ संबंधों को समान करने वाला सूडान तीसरा अरब देश बना। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ टाइड अप विथ टोयोटा किर्लोस्कर मोटर फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग सर्विसेज। बैंक ऑफ बड़ौदा नव वाहन वित्त पोषण सेवाओं के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ करार किया है। ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ इंस्टीट्यूटेड सुनंदा सम्मान इन मेमोरी ऑफ वोकलिस्ट सुनंदा पटनायक। ओडिशा सरकार ने गायिका सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान शुरू किया है। इंडिया रैंक्ड 131st इन द ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग्स। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत 131वें स्थान पर रहा। दुबई पाम फाउंटेन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाउंटेन। दुबई के पाम फब्बारे को दुनिया का सबसे बड़ा फब्बारा घोषित किया गया। एस जयशंकर हेल्ड अ वर्चुअल मीटिंग विथ मोरक्कन मिनिस्टर नासिर बोरीटा रिसेंटली। हाल ही में एस जयशंकर जी ने मोरक्को के मंत्री नासिर बोरीटा के साथ आभासी बैठक में भाग लिया है। ब्राज़ील्स प्रेसिडेंट जायर बोलोनारो रिजेक्ट्स परचेज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन फ्रॉम चाइना। ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोलोनारो ने चीन से कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीद को खारिज कर दिया। US अप्रूव सेल ऑफ वेपन सिस्टम वर्थ $1.8 बिलियन टू ताइवान। USA ने ताइवान को $1.8 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य की हथियार प्रणालियों की बिक्री को मंजूरी दी है। पाकिस्तान विल रिमेन इन ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री रिलीजेस 6,000 करोड़ रुपीज टू स्टेट्स टू एड्रेस शॉर्टफॉल इन GST रिवेन्यू। वित्त मंत्रालय ने GST राजस्व में कमी को दूर करने के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये दिए। एंड द लास्ट इज फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना एन नरसिम्हा पास अवे रिसेंटली एट 86। तेलंगाना के पहले गृह मंत्री एन नरसिम्हा जी का हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020। लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता। नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड अ न्यू सैलिवरी ग्लैंड्स नेम्ड ट्यूबेरियल ग्लैंड्स रिसेंटली। हाल ही में नीदरलैंड्स के कैंसर संस्थान ने ट्यूबेरियल ग्लैंड्स नामक नई लार ग्रंथियों की खोज की है। बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की है। उत्तर प्रदेश सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन डिसबर्सिंग लोन्स अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहला स्थान प्राप्त किया है। भूटान्स मंगदेशु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ वॉन द ब्रूनल मेडल 2020। भूटान के मंगदेशु जल विद्युत परियोजना ने ब्रूनल मेडल 2020 जीता है। दिल्ली डिवीज़न ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज हैज़ लॉन्च्ड बैग्स ऑन व्हील सर्विसेज। उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीज़न ने बैग ऑन व्हील सर्विस शुरू की है। NTPC टॉप्स द लिस्ट ऑफ इंडियन PSU अंडर वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय 2020 पब्लिश्ड बाई फोर्ब्स। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय 2020 में भारतीय PSU की सूची में NTPC ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसराइल्स एम्बेसी विल हैव सेपरेट वाटर अटैचे इन इंडिया फ्रॉम जनवरी 2021। जनवरी 2021 से भारत में इसराइल के दूतावास में अलग से वाटर अटैचे होंगे। इंडियन बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल टू लॉन्च क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप्स IND स्प्रिंग बोर्ड। इंडियन बैंक ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट सुविधा IND स्प्रिंग बोर्ड शुरू करने के लिए IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल के साथ भागीदारी की। जम्मू एंड कश्मीर बिकम्स फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू ऑपरेशनलाइज पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जम्मू कश्मीर जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। रॉय पी थॉमस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पुडुचेरी। रॉय पी थॉमस को पुडुचेरी के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सैमसंग चेयरमैन ली कुन ही पास्ड अवे रिसेंटली। सैमसंग के अध्यक्ष ली कुन ही का हाल ही में निधन हो गया। SBI कार्ड्स लॉन्च क्रेडिट कम स्मार्ट कार्ड नेम्ड दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड फॉर दिल्ली मेट्रो कम्यूटर्स। SBI कार्ड ने दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो SBI कार्ड नाम से क्रेडिट से स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। सुमन दुबे ऑथर्ड द बुक द फिक्सर विनिंग वॉज अ प्राइज। सुमन दुबे ने द फिक्सर विनिंग वॉज अ प्राइज किताब लिखी।
एंड द लास्ट इज 59th रेजिंग डे ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वॉज ऑब्जर्व ऑन 24th अक्टूबर। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का 59वां स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। वैवेल रामकलावन हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सेशेल्स। वैवेल रामकलावन को सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज वॉज ऑब्जर्व ऑन 27th अक्टूबर। 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज का विश्व दिवस मनाया गया। सैमसंग हैज़ टॉप्ड इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020। सैमसंग ने फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की सूची में टॉप किया। थॉमस बैक हैज़ रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस सियोल पीस प्राइज 2020। थॉमस बैक ने प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार 2020 प्राप्त किया। आंध्र प्रदेश हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-23 टू हेल्प SC/ST एंटरप्रेनर्स। आंध्र प्रदेश सरकार ने SC/ST उद्यमियों की मदद के लिए नई औद्योगिक नीति 2020-23 शुरू की है। कमल ज्ञानचंदानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कमल ज्ञानचंदानी को मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इंडिया एंड USA हैव साइंड द बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट दैट इज़ बेका। भारत और अमेरिका ने बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते यानी कि बेका पर हस्ताक्षर किए हैं। नासा सोफिया एयरक्राफ्ट हैज़ कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द सनलिट सर्फेस ऑफ मून। नासा के सोफिया विमान ने चंद्रमा की धूप वाली सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है। 50 countries रेटिफाइड इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स दैट इज़ TPNW। 50 देशों ने परमाणु हथियार निषेध कानून यानी कि TPNW पर अंतर्राष्ट्रीय संधि की पुष्टि की है। फर्स्ट एडिशन ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का पहला संस्करण शुरू किया गया है। ICICI बैंक शट्स डाउन ऑपरेशन इन श्रीलंका। ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद किया। इंडिया पोस्ट रिलीजेज 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कोमेमोरेटिव स्टैम्प। भारतीय पोस्ट ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की स्मारक डाक टिकट जारी की। अरुणाचल प्रदेश बिल्ड्स वॉर मेमोरियल एट बमला एज अ ट्रिब्यूट टू जोगिंदर सिंह। अरुणाचल प्रदेश ने बुमला में जोगिंदर सिंह जी की श्रद्धांजलि के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल हेड द हाई लेवल कमिटी फॉर्मुलेटेड टू कोमेमोरेट 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री गुरु तेग बहादुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्री गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख होंगे। एंड द लास्ट इज पोलैंड्स वरुक्लॉ सिटी हैज़ नेम्ड अ स्क्वायर आफ्टर श्री हरिवंश राय बच्चन। पोलैंड के ब्रोकला शहर ने श्री हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पर एक चौक का नाम रखा। यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस हैज़ साइंड एग्रीमेंट विथ इंडिया पोस्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा। संयुक्त राज्य डाक सेवा ने डेटा के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है लुइस आरके हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बोलीविया। लुइस आरके बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पब्लिश्ड इको रैप रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक ने इको रैप रिपोर्ट प्रकाशित की है। ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सुमंगल पोर्टल एंड इंटीग्रेटेड ओडिशा स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल। ओडिशा सरकार ने सुमंगल पोर्टल और एकीकृत ओडिशा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल लॉन्च किया है। ओम बिरला लेड द इंडियन डेलीगेशन इन द रिसेंटली हेल्ड 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। ओम बिरला जी ने हाल ही में आयोजित 6th ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। अल्फा कोंडे हैज़ वॉन द 3rd term एज द प्रेसिडेंट ऑफ गिनी। अल्फा कोंडे ने गिनी के राष्ट्रपति के रूप में 3रा कार्यकाल जीता। रमेश पोखरियाल निशंक हैज़ इनॉग्रेटेड द DSTIIEST सोलर फोटोवोल्टेइक हब एट शिवपुर इन वेस्ट बंगाल। रमेश पोखरियाल निशंक जी ने पश्चिम बंगाल के शिवपुर में DSTIIEST सोलर PV हब का उद्घाटन किया। अटल इनोवेशन मिशन विल ऑर्गेनाइज इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन दैट इज़ IAS। अटल इनोवेशन मिशन भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन जिसे IAS कहा गया उसे आयोजित करेगा। केरला गवर्नमेंट हैज़ अलाउड 30% रिजर्वेशन फॉर द वुमेन एज गार्ड्स इन फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज। केरल सरकार ने फायर एंड रेस्क्यू सेवाओं में गार्ड के रूप में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण को अनुमति दी। मनसुख मांडविया इनॉग्रेट्स डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी ऑफ VO चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट इन तमिलनाडु। मनसुख मांडवी जी ने तमिलनाडु में VO चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट की डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया। सरप्रीत सिंह ऑथर्ड द बुक नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। सरप्रीत सिंह ने
नाइट्स ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 किताब लिखी। सुशांत मोरे, हर्षल भोसले एंड फैबियो कोंटी डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नेम्ड इचिनोप्स सह्याद्रिकस इन सह्याद्री हिल महाराष्ट्र। सुशांत मोरे, हर्षल भोसले और फैबियो कोंटी ने महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ियों में इचिनोप्स सह्याद्रिकस नाम के फूल के पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। 19th इंटरनेशनल एनिमेशन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 28th अक्टूबर। 28 अक्टूबर को 19वां अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया। केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेजिटेबल्स। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला केरल पहला राज्य बना। एंड द लास्ट इज अमिताभ बच्चन बिकम्स कंट्रीज मोस्ट ट्रस्टेड, विराट कोहली मोस्ट ट्रेंडी एंड MS धोनी बिकम्स मोस्ट इनोवेटिव ब्रांड। अमिताभ बच्चन देश के सबसे भरोसेमंद, विराट कोहली सबसे ट्रेंडी और MS धोनी सबसे रचनात्मक ब्रांड बने। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड यंग एडवोकेट्स वेलफेयर फंड। तमिलनाडु सरकार ने युवा अधिवक्ता कल्याण को शुरू किया। SBI हैज साइंड $1 billion लोन एग्रीमेंट विद द जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। भारतीय स्टेट बैंक ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 billion के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी। अर्जुन मुंडा लॉन्चेस 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन महाराष्ट्र एंड झारखंड। अर्जुन मुंडा जी ने महाराष्ट्र और झारखंड में आदिवासी कल्याण के लिए 2 उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ किया। एम वेंकैया नायडू हैज लॉन्च द वर्चुअल फेस्टिवल ऑफ परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस। एम वेंकैया नायडू जी ने परंपरा श्रृंखला 2020 संगीत और नृत्य का राष्ट्रीय पर्व नामक वर्चुअल त्यौहार लॉन्च किया। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड एमिड COVID-19 पैंडेमिक। ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन ने COVID-19 महामारी के बीच जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार जीता। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हैज साइंड MOU विथ इटलीज फिनकेंटियरी इन शिपिंग इंडस्ट्री। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने शिपिंग इंडस्ट्री में इटली के फिनकेंटियरी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नीति आयोग हैज़ रिलीज द इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट। नीति आयोग ने भारत में इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस और बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज रिपोर्ट जारी की। विमल जुल्का हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। विमल जुल्का को फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया। DBS बैंक हैज़ बीन नेम्ड एशिया सेफेस्ट बैंक फॉर द 12th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। DBS बैंक लगातार 12वें वर्ष एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक बना। अरविंद केजरीवाल लॉन्चेस ग्रीन दिल्ली ऐप टू चेक एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में वायु प्रदूषण की जांच के लिए ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च की। रोहित शर्मा बिकम्स ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेल्थ केयर फर्म डॉक्टर ट्रस्ट। रोहित शर्मा हेल्थ केयर फर्म डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने। शिवराज सिंह चौहान अनाउंसेस टू बिल्ड मेमोरियल फॉर रानी पद्मावती इन भोपाल। शिवराज सिंह चौहान जी ने भोपाल में रानी पद्मावती के लिए स्मारक बनाने की घोषणा की। जापान एंड यूरोपियन यूनियन टू अचीव 0 कार्बन एमिशन बाय 2025। जापान और यूरोपीय संघ 2025 तक 0 कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेंगे। हैदराबाद एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू ऑफर ई बोर्डिंग फैसिलिटीज़ फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। हैदराबाद हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ई बोर्डिंग की सुविधा प्रदान करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना। इंडिया होस्टेड 19th मीटिंग ऑफ SCO मिनिस्टर्स फॉर फॉरेन इकोनॉमी एंड फॉरेन ट्रेड एक्टिविटीज़। भारत ने SCO के विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेशी व्यापार गतिविधियों के मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की है। इंटरनेशनल इंटरनेट डे एंड वर्ल्ड स्ट्रोक डे वर ऑब्जर्व्ड ऑन 29th अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस तथा विश्व स्ट्रोक दिवस 29 अक्टूबर को मनाए गए। एकता दिवस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 31st अक्टूबर। 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया गया। इंडिया एक्सटेंड्स $1 billion लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन सेंट्रल एशिया। भारत ने मध्य एशिया में विकास परियोजनाओं के लिए $1 billion की लाइन ऑफ क्रेडिट जारी की है। निर्मला सीतारमन हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द 10th राउंड ऑफ मिनिस्टेरियल UK इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग। निर्मला सीतारमन जी ने मंत्री स्तरीय UK भारत आर्थिक और वित्तीय वार्ता के 10वें दौर में भाग लिया। तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च धरनी पोर्टल फॉर लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तेलंगाना सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 4th एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी फोरम।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत ऊर्जा मंच के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस बैग्स द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 एट द 5th एनुअल इंश्योरेंस इंडिया समिट। मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने 5वें वार्षिक बीमा भारत शिखर सम्मेलन में साल की सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा कंपनी 2020 का पुरस्कार जीता। इंडियन आर्मी लॉन्चेस इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन। भारतीय सेना ने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट एंड्रॉयड ऐप लॉन्च किया है। यशवर्धन कुमार सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट हैज़ पार्टनर्ड विथ NSDC टू एम्पावर 1 लाख वुमेन विथ डिजिटल स्किल्स। माइक्रोसॉफ्ट ने 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए NSDC के साथ भागीदारी की है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्चेस फ्री डिजिटल लाइब्रेरी फॉर हायर एजुकेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। गुजरात हाईकोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन द कंट्री टू लाइव स्ट्रीम प्रोसीडिंग्स। गुजरात हाईकोर्ट कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का पहला कोर्ट बना। लेट एक्टर ओमपुरी ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 3rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन। दिवंगत अभिनेता ओमपुरी जी को 3rd बोस्टन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फॉर्मर गुजरात चीफ मिनिस्टर केशुभाई पटेल पास्ड अवे रिसेंटली। गुजरात के पूर्व CM केशुभाई पटेल जी का हाल ही में निधन हो गया। भारत पे इन पार्टनरशिप विथ सेफ गोल्ड लॉन्चेस डिजिटल गोल्ड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी में भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड लॉन्च किया है। तो अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे सारे ही कवर कर दिए मैंने आपके इन दोनों ही वीडियो में। तो बस आप रेगुलर रिवीजन करते रहिए, आपके जो भी एग्ज़ाम है सभी के करंट अफेयर इन वीडियो से ही कवर हो जाएंगे। इसके अलावा चैनल पे डेली करंट अफेयर का वीडियो रोज़ सुबह 5 बजे आ जाता है, तो मेक श्योर वहाँ पर भी ज़रूर विजिट करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।